हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इग्नू ने दिसंबर 2019 रीएवोल्यूशन की 7 अपडेट कर दी है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। किसी भी वेब ब्राउजर में इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा, ignu.ac.in। ठीक है, आप जैसे इस पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो 3 लाइन मेनू है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट में जाना है। स्टूडेंट सपोर्ट में आपको स्टूडेंट ग्रेवियंस के नीचे डाउनलोड होगा और डाउनलोड के नीचे रिजल्ट का सेक्शन होगा। जैसे ही आप रिजल्ट के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप रिजल्ट वाला जो पोर्टल होता है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इधर आपको जाना है रीएवोल्यूशन पर। जैसे ही रीएवोल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा तो आप रीएवोल्यूशन के पोर्टल पे आ जाइएगा। देखिए, ये रीएवोल्यूशन का पोर्टल है। यहाँ पर आपको जाना है रीएवोल्यूशन दिसंबर 2019 न्यू पर। जैसे ही आप इधर टैप कीजिएगा तो ये देखिए, ये री एवोल्यूशन रिजल्ट का पोर्टल यहाँ पर ओपन होके आपके सामने आ चुका है। देखिए, स्टेटस कब दिखा रहा है, मई ऑन 21 2020, मतलब मई 21 को अपडेट आया है। ये 7वां अपडेट है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर टाइप कीजिएगा तो आपको अपना रिजल्ट शो करेगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट शो करेगा। देखिए, इस मैंने एक लड़के का सर्च किया। देखिए, इसका जो BCS 053 और BCS 054 था, इसका रिजल्ट पहले ही आ गया था। और ये जो MCS 012 है, इसका रिजल्ट आज आया है। इनको 100 में से 33 मार्क्स मिला है। देखिए, ये पास नहीं किए हैं। और यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर क्या है, 12/19, मतलब दिसंबर 2019। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।